शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पानीपत शहर के असंद रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल में बड़ी घटना हुई है। स्कूल में आयोजित स्पोर्ट्स डे पर दौड़ रहे 13 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दौड़ते वक्त बच्चा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को सिविल अस्पताल ले जाने के बारे में कहा तो छात्र को स्कूल स्टाफ सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चेक करने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे का पंचनामा भरवाकर फिलहाल शव को शवगृह में रखवा दिया गया है और पुलिस परिजनों व स्कूल प्रबंधन के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई कर रही है। ये बच्चा जी स्कूल में 800 मीटर की दौड़ थी, उसमें भाग ले रहा था। जैसे दौड़ में भाग लिया, हाफ हैंड 400 मीटर तक गया होगा, वहाँ उस पर भागता भागता गिर गया। उसके बाद जो टीचर है और जो बच्चे थे उसके पास गए, उन्होंने उसको देखा, उसके जो हाथ पैर मसले, छाती पे दबाव दिया तो उससे मुंह से और कानों से उसका ब्लड आ रहा है। तो ऑन द स्पॉट इसको ऐसा लगा भाई जिसके हाथ पैर मुड़ गए इसके, उनको लेकर हॉस्पिटल गए तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई। आज स्पोर्ट डे था, क्या पीरियड था स्पोर्ट्स पीरियड होता है सैटरडे को, तो उसमें ये भाग ले रहा। कौन से स्कूल का था? ये सेंट मैरी स्कूल का। कौन सी क्लास का था? ये 10th क्लास का। पहले भी बीमार था सर? नहीं जी, पहले कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल फिट था, फिजिकली भी और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और फिजिकल में भी उसमें रेस वगैरह में भी और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। कौन सी क्लास था? 10th क्लास में जी। इसके फादर जो है वकील हैं और यही इकलौता? हाँ जी, वो वकील है जी, हमारे साथ बैठते हैं वो, और फादर भी बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। लड़का इकलौता? हाँ, लड़का इकलौता था जी, दक्ष लड़का है, उसका नाम है, बाप का नाम है धर्मवीर मलिक एडवोकेट। किस वक्त सूचना मिली थी आपको? ये सूचना मिली हमको जी 9:30 के आसपास सुबह। हाँ जी सुबह। डॉक्टर ये बताया जैसे इसके लक्षण लग रहे हैं शायद इसका हार्ट फेल ना हुआ, बाकी पोस्टमार्टम से पूरी रिपोर्ट पता लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार गांव सिंह का रहने वाला 13 साल का दक्ष असंद रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा था जिसमें दक्ष ने भी भाग लिया था। दक्ष ने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, दौड़ के अलावा भी और प्रतियोगिताएं हो रही थी। जब दक्ष अपने प्रतिद्वंदियों के साथ दौड़ लगा रहा था तो वो अचानक नीचे जमीन पर गिर गया। नीचे गिरते ही उसे स्टाफ ने संभाला, उसे उठाया तो देखा कि वो बेहोश हो चुका था, उसके नाक से भी खून बह रहा था। स्कूल स्टाफ ने मौके पर प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की लेकिन छात्र की हालत गंभीर थी, जिस वजह से उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल ले जाने को कहा। इस पर स्टाफ छात्र को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं स्कूल के फादर ने इस घटना पर दुख जताया है। आज स्कूल में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रखे हैं, एथलेट्स वगैरह, रनिंग रेस वगैरह हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी होने वाला था, इसलिए हम लोग और CBSE का भी नियम है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें बच्चों के लिए, और इसमें कुछ बच्चे 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस में भाग लिए है। उसमें से एक बच्चा है जो क्लास 10th का बताया जा रहा है, 10th E सेक्शन से, उसमें बच्चे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने रनिंग कंप्लीट करने के बाद लास्ट पॉइंट ऑफ द रेस में बच्चे कंप्लीट करने के बाद 3-4 कदम आगे भी बढ़ा है। उसके बाद जैसे कि सारे बच्चे रेस कंप्लीट करते हैं और थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, ऐसे ये बच्चे भी लेट गया है, और तुरंत टीचर लोगों ने बच्चों ने उधर देखा है तो तुरंत उनको स्कूल की ओर से इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल लेके गया है। जो भी पॉसिबल हेल्प करना चाहिए डॉक्टर लोग भी हेल्प किया है उनको, और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट बच्चे का डेथ हो गया है, हमें बहुत ही दुख हो रहा है, हमारे बच्चे ही जो हमारे साथ पढ़े हैं और वो अभी हमारे साथ नहीं रहे। हादसे के बाद से स्कूल में भी हड़कंप मच गया, साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा इस घटना पर दुख जताया गया है। बता दें कि 13 साल का दक्ष अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।